वाराणसी में तदर्थ शिक्षकों ने बाबा विश्वनाथ के दर पर हाजिरी लगाकर पुनः बहाली की गुहार लगाई है। शहर के दशवा में घाट से गंगा जल लेकर सैकड़ों की संख्या में शिक्षक बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचे और दर्शन अभिषेक कर पुनः बहाली के लिए अर्जी लगाई। इस दौरान हर हर महादेव की गूंज भी सुनाई दी। शिक्षकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने वादे के अनुसार शिक्षकों को बहाल करने की मांग की। अलग अलग जिलों से पहुंचे तदर्थ शिक्षक दशवा में घाट पर इकट्ठा हुए और वहीं से हाथों में जल लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे। शिक्षकों ने कहा कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। शिक्षकों का यह भी कहना था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि शिक्षक सड़क पर न आए। उनका पूरा ख्याल है कि ऐसा दावा शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। रमेश प्रताप सिंह ने बताया कि हम उत्तर प्रदेश के 25 जिलों के तदर्थ शिक्षक हैं, जो पिछले 25 वर्षों से हम सेवाओं में बने हुए हैं। चुनाव से लेकर संपूर्ण कार्य हम करते हैं। सरकार के सभी कार्यों को हम लोगों के द्वारा किया जाता है। दिसंबर 2023 को प्रदेश सरकार ने हम लोगों को पदमुक्त कर दिया, सभी प्रकार की सेवा से बाहर कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं चल रही हैं। संविदा के शिक्षकों की संख्या 2000 है और यह कार्य नहीं कर रहे। आज वाराणसी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ के धाम में हम लोग अपनी हाजिरी लेकर आए हैं। हमारी संख्या यहाँ पर 600 है। हम अयोध्या भी गए थे और गोरखनाथ के मंदिर भी गए थे। हमारी मांगे हैं, हमें पुनः बहाल किया जाए। मुख्यमंत्री ने सदन में आपकी बहाली की बात कही, फिर भी आप हर जगह अर्जी लगा रहे हो, क्या मुख्यमंत्री पे भरोसा विश्वास नहीं आपको? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री जी पे पूरा का पूरा भरोसा है, क्योंकि वो ऐसे कुल से आते हैं, उनका कुल रघुकुल का है और रघुकुल में एक परंपरा है कि रघुकुल री सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। और हम लोग सारे धामों में होते हुए बाबा गोस्वामी दास जी एक चौपाई को याद करते हुए यहाँ आए हैं कि इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। चाहे जितना तीर्थों घूमे लेकिन बिना काशी विश्वनाथ आए कल्याण नहीं होगा। और यहाँ आने के बाद हमें द्रौपदी की एक बात याद आती है कि जिस समय भरी सभा में कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तुरंत में द्रौपदी भगवान कन्हैया को याद करते हुए कहते हैं। द्रौपदी ने भगवान कन्हैया से कहा कि जब तक आप अब संसारियों से मैं उब चुकी हूँ, उसी तरह से हम लोग सारे अधिकारियों से परेशान हो करके बाबा की चौखट पर आए हैं और ये सबसे बड़ी सरकार है और यहाँ हमारी निश्चित रूप से सुनी जाएगी, क्योंकि ये गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायणम प्रियमनंग मदावहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्व नाथम। ये विश्वनाथ जी हमारा लोगों का कल्याण करेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। और मुख्यमंत्री जी का एक वाक्य भरे सदन में कि हमारा कोई भी शिक्षक सड़क पर नहीं जाएगा, और वही हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि अपनी बात पर खरे उतरेंगे और हम लोगों को कहीं न कहीं सेवा में जरूर बहाल करेंगे। आपका पूरा परिचय बता दे एक बार। मैं महेंद्र पांडे प्रतापगढ़। पूरा परिचय, मैं रविंद्र सिंह, कार्यकारी प्रदेश का इस समिति का अध्यक्ष भी हूं, प्रतापगढ़ जनपद से आता हूं। सर, आप लोग जितने लोग हैं शिक्षक के साथ साथ, आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी भी हैं जो यहां पर अपनी मांगों को लेकर के आए हैं? जी, हम लोग पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, और साथ साथ ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त हुए थे जब चयन बोर्ड नियुक्तियाँ करने में अक्षम रहता था। 5, 10, 15, 20 ऐसे 93 से लेकर 2016 तक हम लोगों की नियुक्तियां रही हैं। 2016 में 22 मार्च को एक आदेश आया शासन से, राजाज्ञा जारी हुई, उसमें जो हाई कोर्ट के आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे तदर्थ शिक्षक थे उनको विनियमितीकरण से वंचित कर दिया गया। मामला धीरे धीरे उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक पहुँचा। उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश दिया 142 के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए दिया कि इन सबको लंबी सेवाओं को देखते हुए बाहर नहीं किया जा सकता, इनको वेतन के साथ सेवा सुरक्षा दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों से त्रुटि हुई और सरकार ने जो भी निर्णय लिया या जैसे भी हुआ,
9 नवंबर 2023 को एक शासनादेश के माध्यम से हम लोगों का समग्र वेतन भुगतान करते हुए सेवाएं हमारी समाप्त कर दी गई हैं। आप लोग कितने की संख्या में हैं और हमारी टोटल प्रदेश में संख्या है 3000। अभी आप काशी में आप लोगों ने कितने लोग आए हुए हैं और क्या बाबा काशी में लगभग 600 अध्यापक इकट्ठा हुए हैं और इन सभी का एकमात्र उद्देश्य है कि बाबा विश्वनाथ धाम के माध्यम से अपने बाबा महंत गोरक्षनाथ के पास अपनी अर्जी लगाएं और अपनी अर्जी के माध्यम से अपनी सेवा को हम सुरक्षित करवा लें। CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।